फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद उज़्मा। तो फ्रेंड्स आज जो मैं रेसिपी लाई हूँ वो है खीर। तो आसानी से बन जाती है। तो फ्रेंड्स ये मैंने एक कप चावल लिए थे जिसको मैंने भिगो दिया और अच्छी तरह से अब मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। तो देखिए मैंने ग्राइंड कर चुकी हूँ। इधर मैंने थोड़े से बादाम ले लिए हैं, छोटी इलायची, और आपको दिल चाहे तो आप कुछ भी मतलब कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मैं इसमें बादाम और सिर्फ नारियल ऐड कर रही हूँ और इलायची। तो फ्रेंड्स ये मैंने 1 किलो दूध लिया है जिसको मैं अच्छी तरह से पहले बॉईल कर लूँगी क्योंकि आसानी से बन जाती है हमारी खीर मिनटों में। सिर्फ हमें दूध उबालना होता है, उसके बाद हमें धीरे धीरे ये जो हमने चावल जो पीसे हैं इसका पाउडर बनाया है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको चलाते रहेंगे। तो जब तक दूध उबलेगा हम इसका वेट करेंगे दूध उबलने का, तब तक ही हम कुछ और काम करते हैं। तो फ्रेंड हमने इसे ग्राइंड कर लिया था तो ये रखे रखे थोड़ा सा जम जाता है नीचे से, तो हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। फ्रेंड देखिए दूध भी गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे धीरे धीरे चावल इसमें ऐड करेंगे, ये देखिए, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। ये चलाना बहुत ज़रूरी है वरना इसमें लम्स पड़ जाते हैं, तो कंटिन्यू हमें चलाना पड़ेगा। फ्लेम स्लो रखें आप। तो लगातार हम इसको चलाएंगे अभी जब तक इसमें एक भी मतलब बॉयल नहीं आता, तब तक हम इसको इस तरह से ही चलाते रहेंगे। जैसे अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी तब हमें इतना डर नहीं रहेगा लम्स का, बाकी रहता है तब तक। तो देखिए आसान तरीका है ना खीर बनाने का, आराम से बन जाती है। ये देखिए कोई झंझट नहीं, कुछ टाइम नहीं लगा। और हम अब इसमें जैसे ही गाढ़ी होगी तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। आप थोड़ा ही सा पानी ऐड करें इसमें और इसको अच्छी तरह से और मिक्स कर लें, अच्छी तरह से बनाएं। तो देखिए फ्रेंड्स बॉयल होने चुकी है, देखिए खीर यानी अब ये रेडी है। अब हम इसे कुछ देर और बनाएंगे। फ्लेम स्लो रखेंगे। तो फ्रेंड्स अब डालेंगे हम इसमें चीनी। फ्रेंड्स 1 कप था ये चावल और 1 किलो लिया था मैंने दूध। अब मैं इसमें ये समझ लें एक कप ही मतलब बड़ा डालूंगी चीनी। आप इसमें जैसे आपको हल्का पसंद है मीठा आप उस तरह से इसमें चीनी ऐड करें। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी सिवई भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो, और आपको पसंद ना हो तो मत डालें। फ्रेंड्स चूल्हा कर दिया हमने बंद। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो फ्रेंड्स पहले मैंने इसमें छोटी इलायची का पाउडर ऐड किया है, अब मैं इसमें थोड़ा एक मतलब बड़ी इलायची का भी पाउडर ऐड करूँगी तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा माशाल्लाह हमारी खीर में। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं, और आपको ना पसंद हो तो ना करें आप। तो इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी और इलायची पाउडर गार्निश के लिए और बादाम।
देखिए तो गार्निश के लिए हम डालेंगे इसमें ग्रेट किया हुआ कोकोनट, आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ फिर कल हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।